ये राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। कितना की संख्या क्या लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हजार के मतलब ये बताइए, देश को जलाना, जलाने से बचाने, ये तुष्टीकरण है। देश में नागरिक विशेष को सुरक्षा देना ये तुष्टीकरण है। देश में आतंकवादियों से, हमलावरों से लोगों को बचाना ये तुष्टीकरण है। मगर नौकरियां गायब है, बेरोजगार तबाह है, सरहद घायल है, किसान 2022 तक न होनी थी, आम घरेलू मुनी भाई, ये कुछ नहीं होना है। खाली नफरत के बल जो देश बनाना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। ये वो मुकदमा दे देंगे जो आरोप लगा रहे हैं साबित तो करो। ये इस पर स्पष्टीकरण मेरा चला गया है, जो आरोप लगा रहे हैं वो दस्तावेज सबूत पेश करें, नहीं तो मुकदमा झेलेंगे। माना नहीं कीजिएगा क्या? क्यों नहीं करेंगे? ये चैतहन का प्रयास है, हमको पता है इसके जद में क्या है, इसके जद में क्या सब पता है। मैंने एक शिक्षा मंत्री सूत्र हो गया तो पच नहीं रहा है, सीधी बात है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई चलेगी और जो लोग चैतहन का प्रयास किए हैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा।